नमस्कार, मैं अमित बोस विस्तार फाउंडेशन से, और आज हम लोग अपने थर्ड सीरीज में लॉकडाउन के बाद, कोरोना लॉकडाउन के दौरान जो जॉब्स कैसे हम पा सकते हैं, उसका थर्ड सीरीज में आज मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में आपको बताया जा रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब सभी कुछ ऑनलाइन लगातार होता जा रहा है, और लगातार ऑनलाइन होने के कारण अब हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नेशनल लेवल पे काम करे या स्टेट लेवल पे काम करे, सभी को खुद की वेबसाइट का बनानी ज़रूरत पड़ेगी, और इसके लिए बहुत सारे डेवलपर्स की ज़रूरत है। आज मैं आपको वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि वेबसाइट डेवलपमेंट में किस तरीके से आप अपने कैरियर को बना सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में आपको सबसे पहले तो ये जानना है कि ये कोर्स, जो वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स है, ये हर प्रकार के लोगों के लिए बहुत एक आसान कोर्स है। चाहे आप 12th पास हो, आप बीए हो, आप बीकॉम हो, या आप बीएससी कर रहे हो, और ऑफ कोर्स आप कंप्यूटर कर रहे हो, आप सबके लिए कोर्स सीखना बहुत आसान है। वेबसाइट डेवलपमेंट में आप डेवलपमेंट को सीखने के बाद बहुत सारे कैरियर के विकल्प अपने ही शहर में पा सकते हैं, तो आपको बाहर भी स्विच होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ प्रमुख कैरियर जो आप पा सकते हैं वो है, आपका वेब डेवलपर के रूप में आप नौकरी पा सकते हैं, आप फ्रंट एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं, बैक एंड वेब डेवलपर बन सकते हैं, आप PHP डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं, आप UI डिज़ाइनर के रूप में काम कर सकते हैं, टेक सपोर्ट टीम आपके अगर सिटी में है तो आप उन पर काम कर सकते हैं, आप घर से बैठ कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जिसमें काफ़ी काम आपको मिलता है, आप एक बेसिक कोडर के रूप में काम कर सकते हैं, आप SEO स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवा सकते हैं किसी भी पर्सन के बिजनेस का, आप किसी भी वेबसाइट के प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं, आप वेब एनालिस्ट भी बन सकते हैं, और वेब एडमिनिस्ट्रेटर बन के आप किसी की वेबसाइट को भी चला सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी आप ही की सिटी में मिल जाती है। वेबसाइट सीखने के बाद आपको जिन इंडस्ट्रीज में सीधे जॉब्स की चांसेस बढ़ जाते हैं, उन इंडस्ट्रीज में सबसे पहले IT कंपनीज है। आप बहुत सारे IT कंपनीज से जो है, छोटी मीडियम और बड़े लेवल की कंपनीज है, आप वहाँ पे आप जा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज भी आजकल वेबसाइट डिजाइनर्स को बहुत मौके दे रही है, तो आप उनके एडवर्टाइजमेंट्स के लिए भी वेबसाइट्स कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल मीडिया एजेंसीज भी है जो वेबसाइट्स के द्वारा बातें आज तक पहुंचाने के लिए यूज़ कर सकते हैं आपका। पब्लिशिंग हाउसेस बहुत सारे हैं जो वेबसाइट्स आजकल डेवलप करवाते हैं। मार्केटिंग फर्म्स में तो वेबसाइट डिजाइनर्स की बहुत डिमांड है, क्योंकि वेबसाइट्स के द्वारा मार्केटिंग का सबसे ज़्यादा अच्छे से होता है। जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी वेबसाइट्स को डिज़ाइन करवाते हैं, और इनके बीच में वेबसाइट्स लगातार बहुत प्रॉपर हो रहा है। और इसी के अलावा जो स्टूडियोज रहते हैं आपके, कैमरा फोटो स्टूडियोज रहते हैं, इनमें भी आजकल वेबसाइट डिज़ाइनर्स काफ़ी डिमांड है, तो आप इन कंपनीज में स्ट्रेट ओवर वेबसाइट सीखने के बाद, डिज़ाइनिंग सीखने के बाद जा सकते हैं। मन में एक आपके सवाल उठेगा कि हमें सैलरी पैकेज कितना इन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाएगा, तो अगर आप एक फ्रेशर है, तो फ्रेशर अगर आप है और आपको अच्छा काम आता है, तो 10,000 से 25,000 रुपये तक आपको सैलरी आपके सिटी और एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मिल सकता है। और अगर आप इस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस आप ले लें, तो 25,000 से 40,000 या उससे भी ज़्यादा आपको सैलरी इस फील्ड में आराम से मिल जाता है, और आपके एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी बढ़ता भी जाता है। फ्रेंड्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए आपको किन किन मॉड्यूल में काम बनना चाहिए, मैं उन मॉड्यूल्स के बारे में भी बता दे रहा हूँ आपको। HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, DBMS एंड MySQL, WordPress और में काम आपको बनना चाहिए। हम इन सभी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के जो मॉड्यूल्स के बारे में जो मैंने अभी आपको कहा, तो इन मॉड्यूल्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन के लिए हम विस्तार फाउंडेशन की तरफ से एक फ्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो 3 बजे से 3:30 बजे तक हर दिन रहेगा, जिसमें आपको एक ज्वाइनिंग लिंक दी जाएगी, ये सोशल मीडिया के द्वारा आपको दिया जाएगा, जिसमें हम आपको इन मॉड्यूल्स के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आप घर बैठे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, और ये डेली आपके लिए लिंक 3 बजे आपको अवेलेबल होगा। तो आप सभी इस लॉकडाउन के समय जब जो है आप नए जॉब्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट के बारे में ज़रूर आप थोड़ा सा देखें, और इस फील्ड में, क्योंकि काफ़ी लोग सक्सेस पहले भी पा चुके हैं और कोरोना के बाद भी ये फील्ड एवरग्रीन है, तो आप इसमें ज़रूर आप अपना समय दें और इसमें अपना कैरियर ज़रूर बनाएं। तो कल आप 3 बजे हमारे लिंक से ज़रूर जुड़ें। मैं अमित बोस विस्तार फाउंडेशन से, कोरोना में नए जॉब्स के जो सीरीज हमने स्टार्ट किया, इसकी 4th सीरीज लेके हम आपके पास कल जरूर उपलब्ध होंगे। तो
धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए, नमस्कार।